ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। दर्शकों, श्री कृष्ण से जुड़ी गोचारण की कथा तो हमने जान ली, चलिए पंडित जी आगे भी कोई कथा है तो वो भी जानना चाहेंगे। गोपाष्टमी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है, जिस प्रकार से है गोपाष्टमी का, जैसे मैंने बताया आपको कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता यह है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सप्तमी तिथि तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। आठवें दिन क्या हुआ, इंद्र भगवान, उन्हीं को सबसे ज्यादा अहंकार हुआ था, उनका अहंकार तो पीछे छूट गया और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा याचना करी। तभी से तो भगवान का नाम गोविंद पड़ा था, क्योंकि गायों की रक्षा करने का उनके वचन लिया था। उसके बाद जब वो कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, कामधेनु सुरभि माता ने अपने स्तनों के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद की उपाधि प्रदान करी। तो जैसे जैसे भगवान का अभिषेक हो रहा था, कामधेनु माता के आंखों में से आंसू बह रहे थे, तो गौ माता के आंखों में आंसू बहते हुए देखकर कान्हा गौ माता से बोले कि मां, आप इतनी अधीर क्यों हो, बेचैन क्यों हो? तो कामधेनु गौ माता बोलती है कि लल्ला, आप गौ रक्षा का भार तुम्हें संभालना है। कान्हा कहते हैं कि मां क्यों? तो गौ माता कहती है, कामधेनु माता कहती है कि लल्ला, अब द्वापर युग के पश्चात में कलयुग आने वाला है। हिरण्यकश्यप ने सिंहासन पर बैठते ही कहा था कि सारे गोप गोशालाओं को नष्ट कर दो, कोई राम का नाम भी न ले सके, यज्ञ पूजा पाठ सब बंद कर। हिरण्यकश्यप के वंशज गौ वधशाला कसाई खाना खोलेंगे। ये सभी हिरण्यकश्यप के वंशज हैं जिन्होंने कसाई खाने खोल रखे, गौ माता के कत्ल के खाने खोल रखे। पृथ्वी जो है वो पाप के भार से दबती जाएगी। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर दया के पात्र बनकर देवों के साथ अवतार लेने के लिए प्रार्थना करती है। जब पृथ्वी इतनी भार से दब जाती है तब आपका अवतार होता है। कंस के ससुर जरासंघ के मानस पुत्र नगर में गौ को रहने ही नहीं देंगे। देखिए, हमारे घर में कुत्ते के लिए जगह है, उसको बिस्तर दिया जाता है। एक घर में, हमारे घर में पालतू कुत्ते को सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, लेकिन हमारे घर के अंदर गौ माता की कोई जगह नहीं है, हमारे दिलों में गौ माता के लिए कोई जगह नहीं है। धिक्कार है हम मनुष्य जीवन के ऊपर, 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य जीवन मिला, हम घर में कुत्ते पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, लेकिन गौ नहीं पालेंगे। कुत्ते के लिए कोई रोक नहीं है, कुत्ते को प्रत्येक घर में सम्मान दिया जाता है। तो आपको गोविंद गा वदंती गौ रक्षक की उपाधि प्रदान की है, मैंने गौ माता कहती है, आप कृपा करके समय समय पर किसी को महान पुरुष बनाकर उसके हृदय में प्रेरणा करके गौ रक्षा अवश्य करवाइएगा, यही मैं आपसे हे गोविंद विनती करती हूं। गोपाष्टमी के दिन प्रत्येक मानव समाज का धर्म बनता है कि गौ पूजन करके गौ पालन गौ रक्षा का संकल्प करें। गौ अथवा गाय भारतीय संस्कृति की प्राण मानी जाती है, इन्हें बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों पवित्र ग्रंथों आदि की तरीके से पूज्य मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता समस्त प्राणियों की माता है, इसीलिए आर्य संस्कृति में पनपे सभी संप्रदाय के लोग उपासना करते हैं। कर्म कांड की पद्धति अलग अलग होने पर भी गौ माता के प्रति आदर का भाव रखते हैं। दिव्य गुणों की स्वामिनी माना गया है, पृथ्वी पर साक्षात देवी के समान माना गया है। पंडित जी, आखिर में गोदान का महत्व भी आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास का हर दिन एक बड़ा त्योहार माना जाता है। कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य
अक्षय होकर वापस आपको मिलता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा दिया गया दान पुण्य मैं कभी अपने पास नहीं रखता हूं, वरन उस दान पुण्य को अक्षय करके वापस मनुष्य को लौटा देता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। इस पवित्र कार्तिक मास में गौ दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, मृत्यु के पश्चात में आपको हमको सबको एक दिन जाना है। मृत्यु के पश्चात में 11.5 महीने के पिंडों को ग्रहण करने के पश्चात में आत्मा का अंगुष्ठ बराबर शरीर बनता है। वो जो आत्मा है हमारी आपकी, वो एक अंगुष्ठ के बराबर या अंगूठे की लेंथ के बराबर शरीर को धारण करती है और फिर यमलोक के लिए 11.5 महीने के बाद आगे बढ़ती है। यमलोक के मार्ग जिस प्रकार दुखद हैं, कष्टकारी हैं, ठीक उसी प्रकार यमपुरी की वैतरणी नदी भी बड़ी भयानक नदी है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी का जो विस्तार है 100 योजन यानी 120 किलोमीटर है। धरती की नदियों में जिस तरीके से जल बहता है उसी प्रकार वैतरणी नदी में रक्त बहता है, मवाद बहता है। नदी के तट जो है वो हड्डियों से भरे हुए हैं। जब यमदूत नदी के पास मृत पापी मनुष्य की जीवात्मा को लेकर आते हैं तो वैतरणी नदी उस मृत आत्मा को, पापात्मा को देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता हुआ रक्त खोलने लगता है जिससे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की जीवात्मा भय से कांपने लगती है। नदी के अंदर मगरमच्छ है, सुई के समान मुख वाले भयानक जानवर, बड़े बड़े मुख वाले भयानक मगरमच्छ, मछलियां, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। वैतरणी नदी को पार करने के लिए एक ही रास्ता, एक नाव वहां पर है किनारे पर, जिसे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने अंगुष्ठ बराबर शरीर में बसी आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम मेरी इस नाव पे बैठकर नदी को पार कर सकते हो। तो यदि तुमने अपने, अब सुनिएगा मैं मुख्य बात जो कहना चाहता हूं, यदि तुमने अपने माता पिता के हाथों से जीवन में एक बार, मृत्यु से पूर्व अपने और अपनी पत्नी के हाथों से अपने संपूर्ण जीवन में एक बार गौ माता का दान किया हो तो आप इस नाव में बैठने के अधिकारी हैं। अन्यथा नदी के किनारे खड़े ये यम के दूत आपकी नाक में नकेले डालकर इस भयानक नदी में से घसीटते हुए ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया है। गौ दान रूपी पुण्य से ही आप इस वैतरणी नामक भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार कर सकते हो, इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी पड़ा। जिस जीवात्मा के पास गौ दान रूपी पुण्य नहीं होता है उसकी नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। नदी में जीवात्मा के पिंड से बने शरीर को नदी में मौजूद भयानक जीवन काटते हैं, जीवात्मा मूर्छित हो जाती है। इस तरह बड़े ही कष्ट से पापी मनुष्य उस नदी को पार करता है। इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए ही शास्त्रों में गौदान करने के लिए कहा गया। इसलिए मनुष्यों को, आपको, हमको अपने संपूर्ण जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। और यदि आप अपने जीते जी, माता पिता के जीते जी मातृऋण पितृऋण से मुक्ति चाहते हैं तो अपने वृद्धावस्था में आ गए अपने बूढ़े माँ बाप के हाथ से गौदान अवश्य करवा दीजिएगा, जिससे उनका और आपका दोनों का इहलोक परलोक सुधर जाएगा। गौदान आप गौशाला में जाकर कर सकते हैं। ध्यान रखें, गौदान ऐसी गौ माता का किया जाना चाहिए जिसे पहले कभी दान नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को गोपाष्टमी के बारे में, गौदान के बारे में इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गौ माता। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है और उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।